दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 36 है। इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को कार्ड के अंदर ऐड करेंगे एजेक्स के थ्रू। तो हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और ये हमारा प्रोजेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी कार्ड के ऊपर, ये शॉपिंग कार्ड का जो आइकन है इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट कार्ड के अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। और इसका जो टोटल है वो यहाँ पे दिख जाता है कि एक प्रोडक्ट ऐड है और इसका अमाउंट 120 है, ठीक है। जैसे दूसरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट भी ऐड हो गया और इसके बाद यहाँ पे अपडेट हो गई वैल्यू की 2 आइटम और उसकी जो टोटल अमाउंट है 190 रुपये, ठीक है। इसी तरह से हम भी करेंगे कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट के शॉपिंग कार्ड में क्लिक करते हैं तो उस कार्ड का जो वो प्रोडक्ट है वो उसके यूज़र के कार्ट में ऐड हो जाएगा और उसका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे शो होगा। तो पहले हम इसको ऐड करने पे यहाँ पे शो करवाएंगे, बाद में इस जगह पे शो करवाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे एडिटर के अंदर। इसमें हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, एप्लीकेशन के अंदर व्यूज़ के अंदर होम, और होम के अंदर हम चलते हैं अभी इंडेक्स पेज पर, ठीक है। तो इंडेक्स पेज के ऊपर जितने भी हमारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं उसके ऊपर आते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारी इंडेक्स फाइल है। इसके अंदर हमें करना है कि जो हमारा लिंक है, कि जो हमने लिंक दिया हुआ है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम बना रहे हैं कि लोकल होस्ट माई शॉप, ठीक है। इसके अंदर जो ये हमने लिंक दिया हुआ है शॉपिंग कार्ट का, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जेएस का एक फंक्शन कॉल करेंगे कि जैसे हम इस पर क्लिक करें तो इसकी डिटेल डाटाबेस में सेव हो जाए, कार्ट की टेबल के अंदर सेव हो जाए, ठीक है। तो पहले इसको हम डिसेबल कर देते हैं कि पेज रीलोड नहीं होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये रीलोड नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक फंक्शन कॉल करवाना है ऑन क्लिक इवेंट पे। ऑन क्लिक, जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो फंक्शन चलेगा ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट की आईडी है वो यहाँ से सेंड हो जाएगी इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं प्रोडक्ट और इसकी आईडी, ठीक है। तो ये वाली आईडी इस फंक्शन में चली जाएगी, जैसे क्लिक करेंगे ऑन क्लिक इवेंट चल रहा है तो वो वाला फंक्शन कॉल हो रहा है ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और हम अब आ जाते हैं जेएस फाइल के अंदर। इसके अंदर हमें फंक्शन बनाना है, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट स्क्रिप्ट, ऐड टू कार्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। फंक्शन कॉपी करते हैं फंक्शन को और इसमें हमारे को वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो हम इसको पूरा कॉपी करेंगे क्योंकि ये भी हमारी एजेक्स है, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। चेक कर लेते हैं, टाइप इसका एजेक्स रहेगा, मेथड इसका गेट रहेगा और जो इसका यूआरएल रहेगा हम इसको कर देते हैं यूआरएल को ऐड टू कार्ट, ठीक है। इसके बाद में ये प्रोडक्ट आईडी ले जाएगा यहाँ से गेट से, फिर हमारा प्री लोडर ओपन होगा और इसकी हेडिंग रहेगी ऐड प्रोडक्ट ऐड इन योर कार्ट, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो मॉडल वगैरह आ रहा है इस पर कुछ भी नहीं करना, सक्सेस मैसेज पे हमें क्या करना है, एम डॉट टॉस्ट मैसेज शो करवाना है कि प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड इन कार्ड, ठीक है, कि कार्ड में प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। और सक्सेस मैसेज पे क्या होगा कि जो हमारा प्रीलोडर है वो हो जाएगा क्लोज, ओपन की जगह हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और एरर के अंदर क्या आएगा, एरर में
एरर ऐड टू कार्ट। अगर कोई इंटरनल एरर होगी तो हमारा एरर फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ऐड टू कार्ट फंक्शन के ऊपर। होम में कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर होम, इसके अंदर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक फंक्शन ऐड टू कार्ट। ठीक है, और इसमें कौन सा वेरिएबल देंगे, प्रोडक्ट आईडी जो हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये हमारी प्रोडक्ट आईडी है। अब हमें को इस प्रोडक्ट की डिटेल निकालनी है। ठीक है, आर्गुमेंट बनाते हैं आईडी इक्वल होनी चाहिए इस प्रोडक्ट आईडी के। कहाँ पे चेक करवानी है हमें, टेबल के अंदर चेक करते हैं। क्रूड मॉडल फेच रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट। ठीक है, टेबल नेम हम इसमें दे देते हैं माई शॉप प्रोडक्ट्स, ये आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। ठीक है, इसमें हमारे को मिल जाएगी प्रोडक्ट की डिटेल, तो इसको नाम दे देते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक डाटा का वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट की डिटेल को सेव करेंगे। तो डाटा में हम जैसे बनाते हैं कि पहले तो हमें टेबल देखनी है कि हमें एक कार्ट की टेबल बनानी है, उसके अंदर हमें कौन कौन से कॉलम लेने हैं। तो हम अपनी कार्ट की टेबल को ओपन करते हैं। ये हमारी टेबल की एक्सेल फाइल है, इसके अंदर टेबल है कार्ट की टेबल। इसके अंदर हमने क्या क्या कॉलम बना रखा है, एक आईडी है, एक प्रोडक्ट आईडी है, उसके बाद सेशन आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है और रेट है। तो ये वाली टेबल हमें पहले बनानी पड़ेगी। तो हम अपने डाटाबेस के अंदर आते हैं और इस टेबल को बना लेते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाटाबेस का नाम है MyShop। MyShop के अंदर हमें एक टेबल क्रिएट करनी है MyShop _ कार्ट। ठीक है, कितने कॉलम नेम लेने हैं इसमें, 6 कॉलम नेम लेने हैं। ठीक है, तो 6 डाल देंगे इसमें। कॉपी क्लिक करते हैं, इसमें देते हैं हम आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेशन आईडी, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम के बाद में क्वांटिटी और इसके बाद में हम देते हैं रेट। ठीक है, आईडी इंटीजर रही, प्रोडक्ट आईडी इंटीजर, सेशन आईडी इंटीजर, प्रोडक्ट नेम वॉर केयर रहेगा। और हम इसमें लिख देते हैं कि क्वांटिटी हमारी इंटीजर रहेगी, रेट हमारी डेसिमल रहेगी। ठीक है, वैल्यू दे देते हैं इनको 10, इसकी भी 10 रहेगी, सेशन आईडी 10 रहेगा, प्रोडक्ट नेम 255 रहेगा, क्वांटिटी 10 रहेगी हमारी। ठीक है, और रेट हमारी 10 रहेगी। ठीक है, और जो हमारा आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। तो कार्ट के नाम से हमारी टेबल बन गई है, उसके अंदर ही हमारे 6 कॉलम हो गए। अब हम आते हैं अपने एडिटर में आ जाते हैं। अब हमें जैसे सबसे पहले देना है कि प्रोडक्ट आईडी क्या है, तो प्रोडक्ट आईडी हमारी रहेगी प्रोडक्ट डिटेल के अंदर, जो इसकी आईडी है वो इसकी प्रोडक्ट आईडी रहेगी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी के बाद हमारे पास है सेशन आईडी। ठीक है, अब सेशन आईडी क्या है कि सेशन आईडी, जैसे मान लीजिए कि कोई यूज़र है, अगर मान लो कि वो कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करता है तो उसको एक हम सेशन आईडी देते हैं कि वो टेम्परेरी रूप से वहाँ पर रहता है। ठीक है, टेम्प आईडी बोल सकते हैं जिसको हम, कि कार्ट जबकि वो ऑर्डर देने से पहले उसकी एक आईडी रहती है, उसको हम सेशन आईडी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो इसकी सेशन आईडी रहेगी वो रहेगी डॉलर दिस सेशन यूज़र डाटा, अब इसको हम लिख देते हैं सेशन आईडी। ठीक है, पहले सेशन आईडी क्रिएट करेंगे। तो सेशन आईडी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम चेक करेंगे डॉलर दिस सेशन, ये एक तरह का लॉगिन सिस्टम ही है कि हम चेक करेंगे कि इस पे जो यूज़र आया है उसकी सेशन आईडी पहले से बनी हुई है या नहीं है। ठीक है, तो डॉलर दिस सेशन यूज़र डाटा क्या चेक होगा, सेशन आईडी। ठीक है, इक्वल इक्वल एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी है एल्स, अगर एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, यूज़र सेशन आईडी के नाम से, यूज़र सेशन आईडी के नाम से एक हम यूज़र डाटा सेट कर देते हैं। ठीक है, जिसमें हम रखेंगे सेशन आईडी
और इसके अंदर एक रैंडम नंबर रखेंगे, ठीक है। वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, इस यहाँ से लेके 4 9 से लेके, अब हम इसको दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बीच में जो भी रैंडम नंबर आएगा वो इसकी सेशन आईडी हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। एल्स के अंदर क्या रहेगा कि सेशन आईडी इक्वल हो जाएगी, जो भी इसकी सेशन आईडी सेट है वो रह जाएगी, ठीक है। एक तरह से हम सेशन सेट कर रहे हैं, जब भी कोई पहली बार हमारे पास प्रोडक्ट ऐड करता है कार्ट के अंदर, तो हम उसकी एक टैम्प आईडी सेट कर देते हैं, ठीक है, कि उसी के ऊपर उसके प्रोडक्ट को फेच करवाएंगे, ठीक है। ये हमारी सेशन आईडी हो गई, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्यों हटा देते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, सेशन आईडी, या फिर इसे भी हटा देते हैं, एल्स में इसको हटा ही देते हैं बिल्कुल, कि एल्स में कुछ भी नहीं हो। और यहाँ पे उसकी जो सेशन आईडी रहेगी वो इसका जो भी जिस पे हमने सेशन सेव किया है उसका वेरिएबल होगा, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर जो भी नंबर रहेगा वो इसकी आईडी रहेगी, सेशन यूज़र डाटा, और यूज़र डाटा के अंदर सेशन आईडी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या क्या देना है कि प्रोडक्ट नेम क्या है, तो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जो प्रोडक्ट का नेम रहेगा वो इसका प्रोडक्ट नेम होगा, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी बराबर बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 रखेंगे, जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड होगा कार्ट के अंदर तो उसकी डिफ़ॉल्ट जो क्वांटिटी रहेगी वो 1 रहेगी। और इसकी रेट क्या रहेगी, जो रेट हमने डाली है इसके अंदर वो इसकी रेट रहेगी, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल की जो भी रेट है वो इसकी रेट रहेगी, तो इसको हम लिख देते हैं प्राइस, ठीक है, प्राइस के नाम से सेव किया है। अब हमें क्या करना है कि इस जो डाटा को है हम टेबल के अंदर सेव करवा देते हैं, ठीक है। क्रूड मॉडल इंसर्ट डाटा, ठीक है। एक बार हम फंक्शन चेक कर लेते हैं किस नाम से, इंसर्ट के लिए, इंसर्ट डाटा के नाम से ही है, ठीक है। इसमें हमें पास करना है टेबल ने, दूसरा हमें पास करना है डाटा, ठीक है, ये इंसर्ट कर देगा। और इसे हम लिख देते हैं रिजल्ट, ठीक है। इफ रिजल्ट इक्वल ट्रू है, अगर रिजल्ट इक्वल ट्रू रहेगा तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, एल्स में हम एल्स कंडीशन डालेंगे, ठीक है। इको हो जाएगा 1, इको हम कर देते हैं इसको 1, ठीक है। एल्स में हम इको करेंगे 0, ठीक है। अगर रिजल्ट ट्रू रहेगा तो 1 इको हो जाए, एल्स 0 इको हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम चेक करते हैं एक बार इसको रन करके, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हम जाते हैं जेएस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं इफ डाटा इक्वल अगर 1 है तो इसके अंदर एक मैसेज देंगे कि प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड इन योर कार्ट, प्रोडक्ट नॉट ऐड, ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा अगर वहाँ से 0 रिटर्न होगा, प्रोडक्ट नॉट ऐड इन कार्ट, ठीक है। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं, रीलोड किया हमने पेज, ठीक है। अब हम जैसे मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट को ऐड करवाते हैं, तो क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो हमारे पास कोई मैसेज वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम एक बार चेक करते हैं इंस्पेक्ट करके कि इसमें क्या एरर आ रहा है, ठीक है। इसमें एरर आ रहा है बैड रिक्वेस्ट का, ठीक है। एक बार हम दोबारा रीलोड करते हैं पेज, ठीक है, इमेज का एरर है ये। तो इसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे कि क्लिक किया तो इसमें एक एरर आ रही है, मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लेस, सिंटेक्स एरर है ये, सिंटेक्स एरर। हम चेक करते हैं कि
यहाँ तक सही है, ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद ये चेक करते हैं इफ़ कंडीशन सही है, एल्स भी सही है, ठीक है। ये वाले जेएस की तो एरर सही है, लेकिन हमें चेक करना है इंडेक्स में चलते हैं, इंडेक्स के अंदर हमने क्या दिया है, ठीक है। ये एक कॉमा हमारा इन्वर्टेड कॉमा रह गया था, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश करेंगे, कंसोल में आते हैं, दोबारा रिफ्रेश किया, अब हम दोबारा क्लिक करते हैं। अब इसने प्रोडक्ट आईडी नॉट डिफाइंड, ठीक है, ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट आईडी नॉट डिफाइंड एरर दे रहा है। ये इसकी प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ओहो इसमें हमने डॉलर लगा रखा है इसलिए एरर दोबारा दे रहा है। रिफ्रेश करेंगे फिर से, क्लिक किया, एरर आ गया हमारे पास, ठीक है। क्लिक करते हैं इसके ऊपर, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी प्रोडक्ट नेम, इसके लिए हमें प्रोडक्ट टेबल ओपन करना पड़ेगा। इसका क्या नाम है, प्रोडक्ट नेम के नाम से ही है, चेक करते हैं एक बार। प्रोडक्ट नेम के नाम से ही कॉलम दिया है, फिर क्या एरर है इसके अंदर, लाइन नंबर 145 कंट्रोलर हॉम 145 नंबर पे, ठीक है। प्रोडक्ट नेम सही दिया है, फिर इसमें क्या एरर आ रही है, सेशन आईडी का नॉट बीन, ठीक है। ये वाली एक तो कंडीशन हमने गलत डाली है, एम्प्टी हो नहीं, ये तो सही है, कंडीशन एम्प्टी रहेगा तो ही सेशन क्रिएट होगा, एल्स में कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ से सेशन चला जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, कि पहले इसको चेक करना पड़ेगा, इस कोड में हमारे पास एक एरर थी, उसको हमने सॉल्व किया है। कि हमने क्या किया था, एक तो हमने ये यूज़र डाटा सेट नहीं किया था, तो इसलिए यूज़र डाटा की एरर इसलिए आ रही थी, ठीक है। और दूसरी एरर जो हमारी आ रही थी कि प्रोडक्ट नेम, कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ था, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी दिखा रहा था वो एरर में, तो प्रोडक्ट नेम की जगह कॉलम में उसमें दिया हुआ है प्रोडक्ट टाइटल। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारी एमएस प्रोडक्ट है उसका जो कॉलम नेम है प्रोडक्ट टाइटल के नाम से, हमने इसको प्रोडक्ट नेम के नाम से दिया हुआ था तो इसलिए वो एरर शो कर रहा था। तो अब हमारे पास एरर नहीं आ रही, तो इनको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने हाइड कर दिया, अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। और अभी हम जैसे कि इस प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं तो क्लिक करेंगे इसके ऊपर, प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड इन योर कार्ट, ठीक है। हमारा मॉडल शो नहीं हो रहा, मॉडल का इशू, ठीक है। अभी भी मॉडल का वो लग रहा है हमें कि मॉडल इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है कार्ट के अंदर, चेक करेंगे तो इतनी बार हमने क्लिक किया उतनी बार प्रोडक्ट ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमें और क्या करना है कि प्रोडक्ट को तो हमने ऐड करवा दिया, ठीक है। और हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमने एक प्रोडक्ट के ऊपर कई बार क्लिक किया तो वो प्रोडक्ट बार बार इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। हमें ऐसा करना है कि प्रोडक्ट एक ही बार इंसर्ट हो लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट डिटेल है, ठीक है, ये तो प्रोडक्ट की डिटेल है। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आ रही है वो आर्गुमेंट बनाते हैं पहले, कि एक हमें चेक करना है प्रोडक्ट आईडी कि यह प्रोडक्ट आईडी पहले से इंसर्ट है या नहीं है, ठीक है।
तो ये तो हो गया प्रोडक्ट आईडी। अब ये प्रोडक्ट आईडी एक यूज़र ने नहीं ले रखा होगा, कई यूज़र ने लिया हुआ होगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट में हम प्रोडक्ट आईडी डालेंगे और हम डालेंगे एक सेशन आईडी कि इस सेशन और प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी इंसर्ट है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो सेशन आईडी हमारी डॉलर दिस, सेशन यूज़र डाटा, सेशन आईडी, ठीक है। अब हम लगाते हैं हमारा फंक्शन डॉलर दिस क्रूड मॉडल फैच रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट, ठीक है। टेबल नेम क्या है, एम एस कार्ड, इसके अंदर हम ये आर्गुमेंट चेक करेंगे, ठीक है। इसमें हम वेरिएबल दे देते हैं चेक प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट को हम चेक कर रहे हैं कार्ड के अंदर। अब हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि काउंट चेक प्रोडक्ट है तो इंसर्ट नहीं होगा दोबारा, एल्स में इंसर्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है हम रखेंगे एल्स के अंदर, ठीक है। तो इसको हम उठा के एल्स में डालेंगे सीधा कि जब सेशन आईडी और प्रोडक्ट आईडी पहले से इंसर्ट नहीं होगी कार्ट में तो ही इंसर्ट होगी। अगर मान लो ऑलरेडी इंसर्ट है तो हम क्या करना है, तो हम एक डाटा दोबारा बनाएंगे एरे का, उसमें हमें क्वांटिटी चेंज करनी होगी, जो क्वांटिटी है वो अपडेट करनी है। तो इसको हम लिख देते हैं न्यू क्वांटिटी, तो इसे हमें देना है न्यू क्यू टी वाई, ठीक है, न्यू क्वांटिटी। अब न्यू क्वांटिटी हमें क्या देनी है कि चेक प्रोडक्ट, ठीक है, चेक प्रोडक्ट की जो हमारे पास क्वांटिटी है ये हमारी ओल्ड क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, ओल्ड क्यू टी वाई, ठीक है। जो हमने प्रोडक्ट फेच किया है वो हमारी ओल्ड हो जाएगी, जैसे पहले से इंसर्ट है तो उसमें पुरानी क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, न्यू क्वांटिटी हमें कैसे बनानी है, तो न्यू क्वांटिटी इक्वल ओल्ड क्वांटिटी प्लस वन, ठीक है। अगर किसी ने दो बार क्लिक कर दिया ऐड टू कार्ट पे तो ये चलेगा, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या लिखना है, डॉलर दिस क्रूड मॉडल अपडेट डाटा, फंक्शन चेक करते हैं अपडेट रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें देना है टेबल नेम एम एस कार्ड, ठीक है। उसके बाद हमें देना है डाटा, डाटा के बाद हमें देना है आर्गुमेंट, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं रिजल्ट का वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया अपडेट, और ये आर्गुमेंट क्या रहेगा कि ये कहाँ पे अपडेट करें, तो इसके लिए हमें आर्गुमेंट भी सेट करना है। तो आर्गुमेंट हम इसको दे देते हैं आईडी इक्वल, चेक प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, इसी आईडी पे अपडेट करें। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, एक अगर रिजल्ट इक्वल इक्वल अगर ट्रू है तो इफ कंडीशन चलेगी, तो इफ में हमें इको करना है वन, एल्स में हमें इको करना है ज़ीरो, ठीक है। तो ये दोनों हमारा हो गया। अब एक बार हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जो पुराना जो कार्ट है उसको हम पूरा डिलीट करेंगे कि 14 रो इसमें इंसर्ट करवा दी हमने, ठीक है, डिलीट। एक भी रिकॉर्ड नहीं है अभी हमारे पास। रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, इस वाले प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक किया प्रोडक्ट ऐड कार्ड, ठीक है, मैसेज आ गया हमारे पास, एक प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, अब दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब क्वांटिटी दो हो गई, प्रोडक्ट इंसर्ट नहीं हो रहा, क्वांटिटी चेंज हो रही होगी। अब मैं इस पर मल्टीपल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, इस पर मैंने मल्टीपल क्लिक कर दिए हैं, रिफ्रेश करेंगे तो इसमें क्वांटिटी चेंज हो रही है। अगर जैसे मान लीजिए मैं दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो वाला प्रोडक्ट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा प्रोडक्ट ये इंसर्ट हो रहा है लेकिन सेम प्रोडक्ट दोबारा इंसर्ट नहीं होगा। दोबारा क्लिक किया तो इसकी भी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस लेक्चर का काम कि हमने ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट कर लिया कि हम प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे कार्ट में चला जाता है। तो इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही।
काम था। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही।